करता और मिस कर जाता है। वो भी डायवोर्स ही कर रहे हैं, बाकी तो कहीं नहीं करता बस। ये प्रांगी जो उसमें कितने आपने रुपया चेंज किए, ऐसी वजह क्या चेंज किए? वॉच, ये फुटबॉल वॉच चेंज किए। वो पहले रिपेयर करवाया होगा। हाँ ये किसकी है? सर यूटाउन के। ये वो आर्सेनल है अभी वाली यूटाउन। और यार वो पहली दफा नहीं खोल रहे। बाकी भी आपके पास ये सारे डायवो भी बैठे सिटी में बैठे हुए हैं, ये बशीर सन में है, कभी इस तरह मसला नहीं आया कि मिस हो जाए। ये डेमो कभी ज्यादातर लीक ही होता है नीचे से, तो फिर उसमें किट जो है वो किट कोई और डाली होगी या उसमें अंदर हो सकता है स्लीव लगाया हो उसमें बॉडी को। पीछे हमने चेंज किए हैं ना दो गाड़ियों। हां तो वो इसमें तो मसले मसाइल उनके हैं इस तरह। बाकी ये है कि उमन ये इस तरह मिस नहीं करता। ये भी हो सकता है कि यहां पे उसने जो इसकी पोर्ट है वो ये पोर्ट ही यहां से बंद कर दी है या यहां कोई और मसला है। ये जो रिपेयरिंग होती है ना रिपेयरिंग रिलायबल नहीं होती, फिटिंग सही नहीं होगी। एक दफ़ा मसला था इससे पहले मैं LTC में था, लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी में, CNG बसेज होती थी हमारे पास ग्रीन और वाइट। ग्रीन टाउन में वो एक प्लेटफॉर्म की बस को मसला आ गया, आइडलिंग के ऊपर गाड़ी बिल्कुल ठीक होती थी। जैसे ही हम उसको रेस दे के हाई RPM पे लेके जाते थे तो वो मिसिंग शुरू कर देती थी गाड़ी, खड़ी गाड़ी मिसिंग शुरू कर देती थी। ऐसा लगता था कि उसको गैस पूरी नहीं मिलती। हमने उसको जाकर कंप्यूटर भी लगाया, लैपटॉप लगाया, देखा चीज़ समझ नहीं आई कोई क्या मसला है। देखते देखते उसकी लाइनें चेक की, लाइनें चेक करने के बाद उसकी हिस्ट्री ली बस की। हमने कहा जी हमने इसको पिछले हफ्ते में ना इसका CNG का डिलीवरी पाइप होता है वो डिलीवरी पाइप नया ले के डाला है, उसको प्रेस कराया। हमने कहा चलो ठीक है खोलो दिखाओ। उन्होंने डिलीवरी पाइप खोला, डिलीवरी पाइप जैसे उन्होंने खोला ना आगे उसके अंदर जहाँ से प्रेस किया होता है क्रैम्पिंग जहाँ पे होती है उसकी, वो प्रेस जो किया हुआ था वो मटेरियल जो था ना लोहे का वो उसके अंदर आया हुआ था, उसका रास्ता तंग हुआ हुआ था। वो आइडलिंग के ऊपर तो गैस पूरी दे रहा था उसको, लेकिन जब गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थी टॉप स्पीड पर जाके ऊपर जाके इंजन के RPM पे, तब वो गैस की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा था उसको। गैस की सप्लाई पूरी ना करने की वजह से मिसिंग शुरू कर देते हैं। इस तरह रिपेयरिंग में बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, हम रिपेयरिंग कभी रिकमेंड नहीं करते कंपनी में। जब भी वापस गाड़ी आती है हमने कभी रिपेयर इंजेक्टर नहीं डाला। रिले वेल्व, ये रिले वेल्व के बारे में आपको सारा डिटेल से बता चुका हूँ। इसमें जो पोर्ट लगी हुई है पोर्ट वन जो है वो है इनलेट की पोर्ट, जो पोर्ट टू है वो इसकी आउटलेट की पोर्ट, जो पोर्ट फोर है वो है इसकी कंट्रोल पोर्ट, यानी कि उससे उसको सिग्नल आना है। सिग्नल कहाँ से आना है? फुट ब्रेक वेल्व से सिग्नल आना है। तो तीसरी नंबर की है वो है इसका डिस्चार्ज, यानी कि वहाँ से जो जैसे ही आप ब्रेक से पाँव उठाते हैं तो पीछे से वायर रिलीज होती है वो इस पोर्ट से होती है, तीसरी नंबर पोर्ट से। और इसी ये जो रिले वेल्व लगा हुआ है इसके बिल्कुल बाद में सामने एयर को मॉड्यूलेटर वेल्व लगाए होते हैं ABS, वो ही असेंबली एक बनी होती है रिले वेल्व उसके साथ ABS के मॉड्यूलेटर वेल्व। दो लगे दो फ्रंट पे दो रियर, ये पूरी एक असेंबली की शक्ल में होते हैं। ये रिले वेल्व का उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है कि जब रिले वेल्व जो है वो काम नहीं कर रहा ये पिस्टन यहाँ पे, उसके बाद जब उसने ब्रेक लगानी है तो इसने नीचे आ जाना, जब इसे नीचे आ जाना है उसके बाद यहाँ से एयर को चार्ज, यहाँ से एयर आउट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे वो नीचे आते हैं यहाँ से एयर जाके आउट होनी शुरू हो जाती, उसके बाद बैलेंस कंडीशन में क्या होता है जब बैलेंस उसने करना होता है तो ये यहाँ पे इसको एयर को इनटेक बंद कर देता है, सिर्फ एक स्पेशल जितनी एयर इसको चाहिए उतनी एयर ही बस भेज रहा होता है। रीइंफोर्स ब्रेकिंग है, इसमें क्या हो रहा होता है कि आपने जब सडन एमरजेंसी उसको करनी है या वो उसके जो है उसको डबल सिग्नल आ जाना है तब भी उसने इस तरह रीइंफोर्स उसको कर देना है।
रीबैलेंस्ड ब्रेकिंग, बैलेंस भी लिखा होगा ना, रीबैलेंस्ड ब्रेकिंग, यानी कि जितना आप प्रेशर दोगे मसलन आपने 10% उसको ब्रेक को दबा दिया है, उसके बाद उसको बैलेंस करेगा, बैलेंस करने के बाद आप और ब्रेक दबाओगे 20% और दबा दोगे फिर उसको बैलेंस करेगा, इस तरीके से वो बैलेंस करता है उसको। डिफरेंशियल लेवल, डिफरेंशियल लेवल को फंक्शन में आपको पहले समझा चुका हूँ कि वो कैसे काम करता है, यानी कि जब हैंड ब्रेक लगी हुई है, हैंड ब्रेक लगे हुए के दौरान अगर कोई बंदा ब्रेक लगा देता है तो उस टाइम पे डिफरेंशियल रिले वाल्व को भी एक सिग्नल आ जाता है, वो क्या करेगा डिफरेंशियल रिले वाल्व के फौरी तौर पे हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज करवा देगा। रिलीज कैसे करवाएगा कि एयर प्रेशर दे देगा चैम्बर्स को, एयर प्रेशर दे के स्प्रिंग्स को दबा देगा, जब स्प्रिंग्स दब जाएंगे तो वो रिलीज हो जाएगी और उसी टाइम ये तब तक रहेगा जब तक ड्राइवर ने ब्रेक पैडल प्रेस किया हो, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल छोड़ देता है तो ये फौरन उसको दोबारा एंगेज करवा देता है। ये जो क्विक रिलीज वेल्व है ना, ये वही वेल्व है, ये सेपरेट नहीं लगा होता, ये जो रिले वेल्व है उसके अंदर ही फिक्स होता है। जैसे ही हम ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं उसके बाद रिलीज करते हैं तो एक तो ब्रेक पैडल के नीचे से एग्जॉस्ट पोर्ट से हवा निकलती है और दूसरा जो है ये क्विक रिलीज वेल्व जो है ये हमारे रिले वेल्व के अंदर ही लगा हुआ होता है, वहां से हवा डिस्चार्ज हो जाती है, निकल जाती है, सेपरेट नहीं होता है। ब्रेक चैम्बर के बारे में मैंने आपको पहले उसकी डेमोंस्ट्रेशन भी बता दी है, दिखा भी दिया कैसे काम करता है। हैंड कंट्रोल वेल्व, इन आउट, ये बोर्ड में इस्तेमाल होगा। तीसरा डिस्चार्ज, यहाँ से इन हो गई हवा, यहाँ से आउट हो गई और ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। जब आपने हैंड ब्रेक एंगेज करवानी है, रिलीज करवानी है तो आप क्या करोगे, ये पहले एंगेज करनी है हैंड ब्रेक, अपना रिलीज करनी है हैंड ब्रेक, उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये इन नंबर जो यहाँ से एयर आ रही है, जैसे आप लीवर को घुमाओगे ये केम बनी हुई है, सेंट्रिक केम है, वो केम इसको दबा देती है नीचे की तरफ, जैसे ही दबती है ये रास्ता खुलता है, यहाँ से एयर आउट जाना शुरू हो जाती है, जैसे ही एयर आउट जाती है वो जाके डिफरेंशियल रिले वाल्व को सिग्नल देती है, डिफरेंशियल रिले वाल्व में मेन पाइप लगा हुआ है, वो मेन पाइप उसको हवा दे देता है ब्रेक के चैम्बर्स को, और चैम्बर में जाके जो स्प्रिंग है वो उसको दबा देते हैं, हैंड ब्रेक क्या होती है रिलीज हो जाती है। अब जब हमने उस हैंड ब्रेक को एंगेज करना है तो उस टाइम पर हमने क्या करना है, जिस तरह ये उसने दबाया हुआ है, जब हमने इसको हैंड ब्रेक को रिलीज करना है तो उस टाइम पे सॉरी अपना हैंड ब्रेक एंगेज करनी है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये सेंट्रिक केम, ये देखें ये केम बनी हुई है, जिस तरह केम के आपके ऊपर लूप होती है इस तरह इसके ऊपर भी लूप होती है, जैसे आप उसको घुमाते हैं ये वॉल इसके ऊपर आता है,
ये जो केम है ये इसको दबाती है, इसकी टो से। अब आपने जो है ये अब गाड़ी की पहले हैंड ब्रेक जो है वो आपने रिलीज की हुई थी, अब आपने इंगेज करना है, हैंड ब्रेक लगानी है। अब क्या करोगे, लीवर को वापस करोगे। जैसे लीवर को वापस करोगे तो जो इस ये जो ऊपर जाएगा इस लाइन की जो एयर है उसको वो यहाँ से निकाल देगा वापस, यहाँ से। जैसे इस लाइन से हवा बाहर निकल जाएगी, ये लाइन खाली हो जाएगी, ये लाइन खाली होगी तो जो हमारे चैम्बर है जो डिफरेंशियल ले वेल्व है उसको सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। जब उसको सिग्नल जाना बंद हो जाएगा तो वो वहां से जो चैम्बरों को उसने स्प्रिंग दबाने के लिए हवा दी हुई थी वो वहां से रिलीज करवा देगा। जब वहां रिलीज करवा देगा तो जो इसके स्प्रिंग है स्प्रिंग अपनी ताकत से उसको दबा लेगा। ड्यूल वेज चेक वेल्व है, चेक वेल्व भी बस कट लगे हुए होते हैं। चेक वेल्व का काम ये होता है कि इसके दोनों तरफ स्प्रिंग होते हैं, ये सेंटर में वेल्व है, इसके दोनों तरफ स्प्रिंग होते हैं। समटाइम स्प्रिंग होते हैं, समटाइम स्प्रिंग नहीं भी होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।